देखो अब ये बात किसी से छुपी नहीं है, बॉलीवुड जो हमेशा से सबसे बड़ा माना जाता था अपने इंडिया सिनेमा में, कम से कम हम लोग तो ये बात मानते थे, वो एकदम लास्ट में खड़ा है। रीजन है सर्कस जैसी फिल्में उनको बनाने में अच्छा खासा वक्त और पैसा लगता है, लेकिन थिएटर में एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाती। रोहित शेट्टी की फिल्म अगर 25-30 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन में खत्म हो जाए तो समझ लीजिए बुरे दिन आ गए। अब इसका साफ इशारा है कि बॉलीवुड को बचाने उसका बादशाह को ही लौटना पड़ेगा। कौन? अरे आप जानते तो हो, शाहरुख खान जो बन के आ रहे हैं पठान। अब उनके फिल्म को आने में सिर्फ और सिर्फ एक महीना बाकी है, गिनती करके देख लीजिए। जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि नॉर्थ साउथ तो घर की बात थी, अब तो हॉलीवुड वाले इंडिया सिनेमा को लूट रहे हैं। पठान का कनेक्शन 5 यूनिवर्स से है, आप जानती ही हो, जिसमें ऋतिक और सलमान खान की एंट्री होंगी फिल्म के अंदर। लेकिन क्या इनकी वजह से फिल्म चल जाएंगी? ये गलत फहमी पठान को के मेकर्स को दिमाग से निकालनी पड़ेगी। से आपको इसके बारे में कुछ भी शिकायत करनी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।